नमस्कार दोस्तों, आयशा फिटनेस पैन में आपका स्वागत है। और आज मैं हाजिर हूँ एंगर मैनेजमेंट स्पेशली। वैसे तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, ये सारा हमारे एक तरह से आप कह सकते हो कि आजकल की जो तनाव भरी जिंदगी है, ये सब उसका ही रिजल्ट है। पर ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम काम ना करें, और बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनके ऊपर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो बेटर यही है कि हम खुद को किस तरह से काम रख पाएँ, और सिमिलर टाइप की सिचुएशन में एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो उठता है। हल्का फुल्का गुस्सा आना नॉर्मल बात है, बट अगर ये एंगर आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या फिर छोटी छोटी बात पर आप भड़क उठ रहे हैं, जिन छोटी छोटी बातों से दूसरों को उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है पर उसमें आपको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आप जान के नहीं कर रहे हैं बट आपका अगर उतना एंगर आपके अंदर आ रहा है, तो आप ज़बरदस्ती उसको अगर सप्रेस करोगे तो वो भी प्रॉब्लम देगा, ब्लॉकेज क्रिएट करेगा आपके माइंड पर और फिर अल्टीमेटली आपके फिजिकल बॉडी पर। तो आज मैं एंगर मैनेजमेंट से रिलेटेड योगासना का सीरीज लेकर के आई हूँ। सीरीज का मतलब चार या पांच तरह के आसन हैं, मेनली चार तरह के ही आप समझो। देखिए, सबसे पहले क्या है, ये चार तरह के आसन में सबसे पहला आसन जो मैंने किया है, मेरी वीडियो क्लिपिंग आप देख रहे होंगे, उसका नाम है शशकासन या शशांकासन, जिसमें दो वेरिएशन है। पहले वाले वेरिएशन में वज्रासन में वज्रासन आप लोग जानते हैं, वज्रासन में जिसमें पैर के ऊपर एड़ी को पीछे की ओर करके हम लोग बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद अपने सर को धीरे धीरे आगे की ओर ले जा करके अपने घुटने के पास लाते हैं, और अपने दोनों हाथ से अपने दोनों पैर की एड़ी को पकड़ते हैं। तो उस पोस्चर में हमारा हेड नीचे की ओर हो जाता है, हमारी कमर जो है वो ऊपर आ जाती है, और ब्लड का सर्कुलेशन हमारे हेड की तरफ ज़्यादा जाता है, नंबर वन। सेकंड में जो मैंने किया है वो है आपका सर्वांगासन। तो सर्वांगासन का वैसे तो यूज केवल एंगर मैनेजमेंट के लिए ही नहीं है, ये जो हमारी थायराइड जो ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड की आजकल प्रॉब्लम महिलाओं में काफ़ी कुछ देखने को मिल रही है। तो एक तो जिसमें हम कि सीधे पहले लेटते हैं और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने हिप्स के नीचे टिका लेते हैं सपोर्ट के लिए, और उस अपने हाथों से उसको प्रेशर स्ट्रेंथ देते हुए अपने बॉडी को, पूरी बॉडी को कमर के पास से नहीं बल्कि शोल्डर के पास, कोशिश हमारी यही रहती है शोल्डर के पास से वो हमारा सर पीछे की ओर इस तरह से रहता है और नेक के पास से हमारी बॉडी बिल्कुल इस तरह से रहती है। और उस प्रोसेस में क्या होता है कि जब हमारी पूरी बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में होती है तो पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पूरा, एक तो पूरा बर्डन हमारे शोल्डर पे आता है, हमारे हेड पे नहीं जाता, शोल्डर पे आता है, और ब्लड की सप्लाई नीचे की ओर होने लगती है ऑटोमेटिकली। एक तो हमारा जो थ्रोट रीजन है उस पर प्रेशर पड़ता है, जिससे कि हमारी थायराइड की जो ग्लैंड है वो एक्टिवेट होता है, और दूसरे इससे जो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जो हमारा ब्लड हमारे नर्व्स में, वो सब नर्व्स जो हमारे माइंड ब्रेन का हिस्सा होते हैं उसमें ब्लड की सप्लाई जाने लगती है, तो वो भी हमारे माइंड को काफ़ी काम एंड कूल करती है। सर्वांगासन के बाद मैंने किया है मत्स्यासन, जिसमें सबसे पहले मैंने पद्मासन लगाया है। अपने दोनों पैरों को पद्मासन के बारे में मैं पहले के वीडियोज में बता चुकी हूँ। पद्मासन लगा करके बैठने के बाद अपने इस पार्ट को, ट्रंक वाले पार्ट को ऊपर की ओर हल्का उठाते हुए, अपने दोनों हाथों के का सपोर्ट लेते हुए पीछे सर को पीछे की ओर टिका देना है, और चेस्ट एरिया, ये ट्रंक एरिया जो है ना, इसको ऊपर की ओर बिल्कुल उठा के रखना है, और उसके बाद अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ करके उस मुद्रा में जितनी देर आप रह सकते हैं उतनी देर आपको रहना है। तो ये हो गया मत्स्यासन। मत्स्यासन के बाद मैंने शीर्षासन किया है। शीर्षासन में क्या है कि आप कोई भी मोटा टॉवेल या कुछ गद्देदार चीज़ आप नीचे रख लीजिए, जिससे कि आपके
इस पे वैसे भी आपके हेड रीजन पे तो प्रेशर नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें क्या है ना कि हम अपने दोनों हाथों को इस तरह से ये ट्रायंगुलर शेप में रखते हैं, और ये जो ट्रायंगल, ये जो बीच का स्पेस बनता है, ये ट्रायंगल जो बनता है, इसके बीच वाले स्पेस में हम अपने हेड का आगे वाला पार्ट, यानी इसको, इस पर प्रेशर नहीं जाता। ये सारा प्रेशर हमारा ये कलाई, सॉरी, ये हाथ की कुहनी और ये जो हाथ का जो बनता है ट्रायंगुलर शेप जो बनता है, ये पूरा हमारा वेट इस पे जाता है। तो इसमें सावधानी यही है कि जो बिगिनर लोग हैं उनको ना ही करें, मतलब किसी अच्छे प्रोफेशनल के अंडर गाइडेंस में करें। अदरवाइज़ क्या होगा कि उनको अगर एक्चुअल टेक्निक नहीं मालूम होगी तो वो प्रेशर अपने हाथों पे न दे करके हो सकता है कि वो अपने सिर पर ले लें, और पूरे बॉडी का वजन अगर ऊपर की ओर बिल्कुल आप स्ट्रेट खड़े होते हैं तो आपका पूरे शरीर का वजन आपके नेक पे जा सकता है, आपके हेड पे जा सकता है, वो बहुत सारी इंजुरी उसमें हो सकती है, तो वो नहीं करना है। और मैंने भी जो किया है वो मैंने वॉल का सपोर्ट लेकर के किया है, और शीर्षासन के बाद लास्ट में आ जाता है शवासन की बारी, जिसमें कि ये बिल्कुल आपका रिलैक्सेशन का पोज है, और इसमें हम लेट जाते हैं, हमारा दोनों पैर एक दूसरे से थोड़ी दूरी पे रहता है, हम अपने दोनों हथेलियों को अपने कंधों के सामने कंफर्टेबल, जहाँ से हमको कंफर्टेबल जिस डिस्टेंस से लगता है वहाँ पे अपने दोनों हाथों को, हमारी हथेलियाँ ऊपर की ओर फेसिंग टुवर्ड्स स्काई होनी चाहिए, और हम अपने आप को बिल्कुल शोल्डर वगैरह सारा बिल्कुल, मतलब अपने आप को एकदम से रिलैक्स करके और आइज क्लोज करके खुद को उस मुद्रा में कम से कम 5 मिनट्स रखते हैं। तो ये सारे जो आसन हैं ये स्पेशली स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो यूथ में, आज के समय में आई गेस जो मिडिल एज्ड लोग हैं या फिर जो ओल्डर एज के लोग हैं, उन लोगों के लाइफ में शायद ये सिचुएशन नहीं आई होगी, जो आज का छोटा, इवन स्कूल का बच्चा, किशोरावस्था का एक जो टीनेजर लड़का या लड़की होता है, उन लोगों को भी ये सारा कुछ फेस करना पड़ता है। और ऐसे कितने सारे केसेज आपने देखे होंगे कि आई मीन टीनेजर्स दे जस्ट, मतलब वो कोप ऑफ नहीं कर पाते हैं स्ट्रेस को या एंगर को, और सुसाइड जैसी बहुत ही ख़राब टाइप की घटना हो जाती है, बहुत दुखद घटना हो जाती है। तो योग में उसके लिए भी उपाय है, और इसके साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगी। दोस्तों, आप स्वस्थ रहिए, योग करते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।